बाप रे बाप, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो गाइस आज तीसरा दिन है मेरा केदारनाथ पे और आज मैं वापस चला जा रहा हूँ। और अभी जब मैं जा रहा हूँ हेली से, क्योंकि मैं कल बोल दिया था, मैं सोचा था कि फिर पैदल जाऊँगा, लेकिन कल मैं बोल दिया था कि हेली से जाऊँगा, तो भैया ने इंतज़ाम कर दिया था। तो आज मैं जा रहा हूँ हेली से, 8 बजे मेरा हेली का टाइम है। यहाँ से अभी मैं जाऊँगा लंगर में, खाना वाना खाऊँगा, उसके बाद पूरा फ्रेश होके फिर थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवा के फिर वापस सोनप्रयाग तक चले जाऊँगा। तो गाइस अभी हम लोग हैं हेलीपैड जोन में, उस साइड पे बुकिंग होता है, GNVN में आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी हम लोग का हेलीकॉप्टर आ चुका है, अभी हम लोग जाएंगे। तो गाइस हम लोग अभी उतर गए ये हेलीपैड पे। अभी यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ने, अभी फोर व्हीलर पकड़ के सोनप्रयाग जाऊँगा, उसके बाद एकदम बाइक लेके फिर बद्रीनाथ की ओर जाऊँगा। पैदल इतना 16 घंटे लग गए, लेकिन हेलीकॉप्टर से आते आते खाली 10 मिनट में पहुँच गया। और ऊपर से बाडा व्यू नेक्स्ट लेवल था, बॉस नेक्स्ट लेवल था। वहाँ पे वो स्पिरिचुअल जगह पे एक अलग ही जगह था, वो मैं पूरा विजिट किया और आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया। और तो फटाफट पहले जाके वो ब्लॉग देखो, उसके बाद ये ब्लॉग देखना। और मैं अभी जाने वाला हूँ बद्रीनाथ पे, तो चलिए अभी फोर व्हीलर पकड़ते, उसके बाद जाते हैं बाइक पे। और हम लोग जिस हेलीपैड पे उतरे थे वो था शेरी हेलीपैड, और अभी हम लोग यहाँ से शेरी हेलीपैड से अभी हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग की ओर। ये रहा यहाँ का पूरा चार्ट, कितना रुपया कहाँ से। सो गाइस अभी फोर व्हीलर पकड़ लिए है, अभी यहाँ से जाएंगे सीतापुर तक, 50 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद वहाँ से जाना है पूरा पैदल, उसके बाद बाइक। तो गाइस अभी हम लोग को पैदल ही जाना पड़ा है, बहुत जाम है यहाँ पे, बहुत सारा पूरा पार्किंग तक। सो गाइस अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में, अभी पूरा ड्रेस चेंज कर रहे हैं, रूम मतलब बोले कि 10-15 मिनट के लिए रूम दीजिए, बस राइडिंग गियर पहनना है और ये सब घुसाना है, फिर निकल जाना है। इसके लिए भी बोला है 200 रुपया दीजिए, फिर मैंने थोड़ा बार्गेन किया, उसके बाद 100 रुपया फिर भी देना पड़ा, मतलब 10-15 मिनट के लिए 100 रुपया छोड़ो, मांग रहे तो अब क्या करें। अभी तो मतलब हम लोग के लिए तो एक तो जगह तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सब कुछ अभी कहाँ पैक करें, कहाँ पे पहने, कहाँ पे सब कुछ रखें, तो इसीलिए यहाँ पे ले लिए हैं। अभी हर रूम का हालत दिखा रहे हैं, ये रहा मतलब कोई दूसरा रह के गया है यहाँ पे, ये सब वगैरह है, मतलब जब लोग हम लोग सब ये सब खोल के अभी रखे हैं, ये सब राइडिंग गियर वगैरह भी पहनेंगे, पहन के फिर निकलते हैं। सो गाइस अभी 12:30 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का डेस्टिनेशन है बद्रीनाथ, जो कि है 222 किलोमीटर गूगल मैप बता रहा है, 6.5 घंटे लगेंगे जाने को। तो अभी निकलते हैं, हर हर महादेव। चलो थोड़ा पीछे खींचिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे, बद्रीनाथ यहाँ से जा सकते है। सब अंधे की तरह चलाता है, पूरा बाइक गिरवा दिया, शुक्र है पूरा लगेज था इसलिए कुछ नहीं हुआ। ये कहाँ से पूरा पार्किंग वार्किंग से पूरा घुसा दे रहा है, क्या मालूम, गूगल मैप भी नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ से ये सब जा रहा है। हम लोग ये हेलीपैड से, हिमालयन हेलीपैड से हम लोग आए थे यहाँ पे, ये वाला हेलीपैड से, और यहाँ पे जैम भी नहीं है, होटल भी बहुत चीपेस्ट है, यहाँ पे ऊपर पार्किंग भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो, तो रेट तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ये सब होटल वगैरह खाना वाना भी सही है, चीपेस्ट होटल में है। सो गाइस यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, जो कि उत्तराखंड में ज़्यादातर होता रहता है बारिश के टाइम पे, अभी यहाँ पे हुआ है। सो गाइस अभी 3 बज चुका है और अभी बाकी है 158 किलोमीटर्स, और कमर बहुत दर्द दे रहा है, मतलब पूरा बाइक का लोड लेते 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 धीरे धीरे छोड़े थे, इसीलिए बाइक का कुछ नहीं हुआ, बस मेरा थोड़ा सा कमर मतलब दुख रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही दुख रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हम लोग का भी प्लान बना है कि
पूरा बाइक लेके घर तक नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। 42 डिग्री सेल्सियस में बाइक चला के आए हैं। बाप रे बाप, मतलब नेक्स्ट लेवल गर्मी था। इसीलिए अभी हम लोग सोचे दिल्ली तक बाइक लेकर जाएंगे, उसके बाद बाइक पार्सल करके हम लोग ट्रेन या फिर फ्लाइट से घर पहुँच जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग है रुद्रप्रयाग में और बाकी है 156 किलोमीटर्स। श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टर्न, जो कि है बद्रीनाथ के रास्ते। इस साइड बद्रीनाथ, उस साइड केदारनाथ। ये जगह का नाम करण प्रयाग, करण या करण, के ए आर एन। अच्छा, ये करण प्रयाग या करण प्रयाग है मालूम नहीं। तो यहाँ से तीन जगह में रास्ता डिवाइड हो जाता है, एकदम बाहर तरफ लेने से आप लोगों को एकदम बद्रीनाथ का रास्ता मिल जाएगा। और फिलहाल रास्ते तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ख़राब है, पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होता है, लेकिन बाकी रास्ते मक्खन जैसे है, चौड़े रास्ते और एकदम बहुत पूरा एकदम टारमैक रोड। सो कैसे भी टाइम हुआ 3:45 और ये जगह का नाम है गोचर। और यहाँ पे कार बाइक का एंट्री करके, मतलब जो चार धाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे शो करके फिर आप आगे जा सकते हो। बद्रीनाथ जाते हुए तुमको ऐसे भी रास्ते मिलेंगे, देख लो। ब्यूटी विद डेंजर। सो गाइस, ये जगह से रास्ता दोनों तरफ डिवाइडेड हो जाता है, एक ये बद्रीनाथ, नीचे वो केदारनाथ। ये साइड से भी अपन लोग आ सकते थे, लेकिन 7 किलोमीटर कम ही होता, लेकिन रास्ते उतना अच्छा नहीं था। हम लोग जिस टैक्सी से आए थे वो टैक्सी ड्राइवर भी बोल रहा था कि यही रास्ते से, जिस रास्ते से मैं आया हूँ इसी रास्ते से जाओ। लगनंदा रिवर और सामने ये ब्यूटीफुल पेड़, पता नहीं किस फूल का पेड़ है ये, लेकिन यही फूल केदारनाथ जाते हुए भी मैंने देखा था बहुत बार। जाइंट पिक और पूरा स्नो से ढका हुआ, पूरा कवर्ड, बहुत सही लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा होके ये व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि मैं निकला था बहुत देर करके और यहाँ पे तकरीबन 7 बजे तक रोशनी रहता है, और इसी वजह से मैं जितना हो सके मतलब रश करके चला रहा हूँ कि जल्दी जल्दी डेस्टिनेशन में मैं पहुँच जाऊँ। आप लोग ये सब देख सकते हो, ये वाटरफॉल है, लेकिन ये अभी ऊपर बर्फ़ होने के कारण पूरा सूख गया है। मतलब कुछ दिनों बाद बर्फ़ पिघलेगा और यहाँ से पूरा पानी बहेगा और फिर से झरना चालू हो जाएगा। सर जी, लैंडस्लाइड कब हुआ? अच्छा, नहीं नहीं ये वाला अभी 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 हुआ क्या? बाप रे बाप, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ। कोई गिरे ना बाप, कुछ ना गिरे, निकल जा हर महादेव, निकल जा यार। कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ बॉस। यहाँ से फ्यूल अप करने वाला हूँ दोबारा, 100 किलोमीटर रेंज है। हम लोग अभी बद्रीनाथ से 23 किलोमीटर दूर में हैं, अभी देखते हैं रूम। हाँ, कितना करके रूम रेंट? कमरे नहीं, अभी बोल दीजिए ना कितना करके, कितना करके है? 2,500 रुपया। सबसे लोएस्ट कितना है? सबसे कम कितना है? 2 लाख 2 लाख जाएगा। अच्छा ठीक है, और सस्ता ना। तो गाइस, अभी रात हो चुका है और अभी भी राइड चल रहा है, पूरा ऑफ रोडिंग चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये जो मेरा फॉग लैंप है, मेरा बहुत ही अच्छा साथी है मेरा, सच में बहुत ही काम का चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग, लेकिन सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर से मेरा डे वाइजर है, फिर भी इसमें नाइट विजन है, लेकिन नॉर्मल रोशनी से उतना क्लियर नहीं दिख सकता जो ये फॉग लैंप से दिखता है। उत्तराखंड में पूरा नाइट राइड, एकदम पहाड़ों में नाइट राइड, इसका भी फील अलग है। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है
मतलब राइडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा फिर भी। और यहाँ पे अगर आप लोग केदारनाथ से, जैसे मैं केदारनाथ से उतर के फिर डायरेक्ट बद्रीनाथ अभी मैं घुसने वाला हूँ, अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो थोड़ा सा मेरे जैसा अगर थोड़ा सा देर हो जाए तो कोई बात नहीं, बहुत सारा गाड़ी जाता है, बहुत सारा गाड़ी, मेरे पीछे बहुत सारा बाइक भी है, मैं बहुत जन को ओवरटेक करके आया हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत जन है, आप लोग आराम से आ सकते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। सो गाइस फाइनल आ गए हम लोग अभी रूम पे, कमर में अभी बहुत पेन है क्योंकि बाइक गिर गया था, आप लोग देख चुके हैं। और अभी मैं जो रूम पे हूँ वो बहुत ही अच्छा रूम है, रूम टूर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और गाइस अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। सो गाइस इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। दिस इज @01 साइनिंग ऑफ, टिल देन लाइफ इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।